राजधानी भोपाल में आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ता को प्रतिमाह 10,000 रुपए देने सहित नियमितीकरण की मांग की है। आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आशा उषा एवं पर्यवेक्षकों के विशाल प्रदर्शन ने परिवार के पालन पोषण के लिए आशा को 10,000 एवं पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए वेतन तुरंत देने की मांग की है। वही मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। जी, आपका नाम बताइए। हमारा नाम लक्ष्मी कौरव है और मध्य प्रदेश आशा आशा सहयोगी श्रमिक संघ से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हम संयुक्त मोर्चे के तौर पर संयुक्त मोर्चे के बैनर तले यहां आशा और आशा सहयोगी आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। हमारी मांग है कि हमारी आशा बहनों को 10,000 रुपये दिए जाएँ मासिक वेतन के रूप में, और सहयोगी बहनों को जिनको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है उन्हें एक पर्यवेक्षक की राशि प्रदान की जाए जब तक उन्हें 15,000 रुपये प्रदान किए जाएँ महीने में मासिक वेतन के रूप में, और जब तक हम बहनों को ये राशि दी जाए जब तक हम लोगों को कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है। वैसे हमारी मांग हमेशा न्यूनतम वेतन की है और जो कि जारी रहेगी, और अभी बजट सत्र आने वाला है, उस बजट सत्र के पूर्व हम सरकार से ये अपील करते हैं कि बजट सत्र में हमारी मांगों को पूरा करते हुए जो कि मिशन संचालक जी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जब पूर्व में छवि भारद्वाज जी थी उन्होंने कहा था कि हम 10,000 आशा कार्यकर्ता को देंगे, उस प्रस्ताव को लागू करते हुए बजट आरक्षित कीजिए। यदि बजट आरक्षित नहीं करते हैं तो हमें फैसला लेना पड़ेगा कि हम हड़ताल की तरफ जाएं, हम काम बंद हड़ताल की तरफ जाएं, हम सरकार के टारगेट को प्रभावित करें। जी, आपका नाम बताइए। जी, मैं आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 की प्रदेश अध्यक्ष कविता सोलंकी हूं, और अभी हम लोग संयुक्त मोर्चा के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, और जैसा कि हम लोग लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हमारी मांगे हैं सरकार के साथ में कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये दिया जाए, पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान दिया जाए प्रोत्साहन राशि। हमारी मुख्य मांग है कि आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सहयोगी 26,000 रुपये साथ में वेतनमान दिया जाए। हमारी पूर्व में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान 24 जून 2021 को मिशन संचालक महोदय ने छवि भारद्वाज के नेतृत्व में ये बोला गया था कि आपकी मांगे जायज़ है और 10,000 रुपये आशा को मिलना चाहिए जितना वो काम करती है, और पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 रुपये देना जाए। ये प्रस्ताव हम पारित करके संसद भवन में हम लोग ये लगवाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको पारित करवाने की मांग रखेंगे। परंतु आज 2021 से अभी तक 2022-23 हो गया है, लगातार हम लोग उस मांग को मनवाने के लिए शासन से बात कर रहे हैं, परंतु उन्होंने लिखित में ये नहीं किया। अभी जो कि इस सरकार का ये अंतिम बजट सत्र है, 27 से प्रारंभ होने वाला है, तो हम बजट सत्र के पहले मामा को या शिवराज सरकार जी को हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की मुख्य रीढ़ की हड्डी आशा कार्यकर्ता के लिए भी इस बजट सत्र में आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक बहनों के लिए बजट पर्याप्त बनाया जाए और उनको एक निश्चित वेतनमान दिया जाए ताकि उनको जीने लायक मानदेय प्राप्त हो। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हो सकता है भविष्य में हम और उग्र आंदोलन कर सकते हैं इस बजट सत्र के दौरान ही, और ये खामियाजा ये शासन को स्वास्थ्य विभाग दोनों को भुगतना पड़ेगा, और ये हम आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है उसको भी हम बाधित करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आशा कार्यकर्ताओं की चेतावनी के बाद प्रदेश सरकार उनकी मांगों का निराकरण करती है या फिर आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर होती है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।